हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शहजाद, योर फैमिली फिजियो। आज हम फीडबैक लेंगे ग्रोइन पेन का। जी, क्या नाम है आपको? आसिफ खान। आसिफ खान जी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप यहाँ आने से पहले? यहाँ पर दर्द था बहुत ज़्यादा। यहाँ दर्द था आपको? पूरे पैर को आ रहा था। पूरे पैर में आ रहा था जी। पेन कितना था आपको? बहुत ज़्यादा, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा? बर्दाश्त हो रहा था। ओके, तो यहाँ कौन सी सिटिंग है आपकी? आज कितने दिन होगा ट्रीटमेंट? तीसरा दिन। मतलब अभी तक दो ही दिन ट्रीटमेंट लिया आपने, तो दो दिन में आपको दर्द में कितना आराम मिला? जैसे पहले दिन आपको दर्द था 95%, तो आज कितना है? आज बस 5 to 10% 5 to 10% बचा है आपका। दो ही सेटिंग में आपको इतना चेंजेस आ गया। तो परसों जो आपको दर्द था दो दिन पहले, तो उसमें क्या नहीं कर पा रहे थे? मतलब चलने में क्या थी पोजीशन? पैर नीचे रखा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल रखा ही जा रहा। मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं ले रहा था? बिल्कुल 1% भी वेट नहीं ले रहा था। 1% भी वेट नहीं ले रहा था। जैसे आप पैर नीचे रख रहे थे तो बहुत पेन हो रहा था। बहुत पेन हल्का सा, अगर ये मूवमेंट भी कर रहा था ना फिर भी। ओके, और वॉशरूम वगैरह के लिए कैसे कर रहे थे उसमें? बस बड़ी मुश्किल से गए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पकड़ पकड़ के घर वाले जल्दी के जाओ। ओके, अभी जो दो दिन पहले आप यहाँ आए थे, उसमें कैसे चल के आए थे? मतलब फैमिली वाले उठा के आए थे। कौन कौन आया था उस दिन साथ? फादर थे और फ्रेंड्स थे दो, वो उनके कंधों पे आए थे। ये पोजीशन थी। और आज खड़े होके दिखाई, अब पूरा वजन आ रहा है इस पर। अब कोई चल के दिखाओ थोड़ा सा, उधर जाइए। हाँ, वापस आइए। दो दिन पहले ये हालत थी कि दो आदमियों के मतलब कंधों पे थे आप। जी जी, बैठ गया। दो दिन में आपको इतना चेंजेस इसमें आ गया है, ठीक है। तो जो अमित जी, अमित ठाकुर और अनस जी ने आपका ट्रीटमेंट किया, उनके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल। ओके, यहाँ के लिए फैमिली फिजियो क्लिनिक के लिए आपको कैसे पता चला कि यहाँ आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए? कैसे डिसाइड किया? फ्रेंड है आपकी, उन्होंने आपको बताया था जी। तो आपने उनसे कॉल पे शायद विजिट की बात करी थी? विजिट की बात। रीजन क्या था उसका? वो खुद आ नहीं पा रहा था इसलिए। जी, अच्छा, आ नहीं पा रहे थे आप, इसके लिए आपने विजिट के लिए आप बोल रहे थे। मतलब ये कंडीशन थी कि खड़े भी नहीं हो पा रहे जी। तो अभी दो दिन में काफी रिलीफ मिल गया है। चलिए ठीक है। बाकी इसमें आप सभी जो है परहेज वगैरह लेंगे, जो जो बताया है खाने पीने में, चावल, राजमा, गोभी, दही, ये सारी चीजें अभी अवॉइड करनी है। ये नहीं देखना है रिलीफ है, बिकॉज और भी आपको डिजीज है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। और किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? डायलिसिस। कब से चल रहा है? 7 साल से है। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन और ज्यादा लेना होगा। ये तो आपके नॉन टू में थे, तो जो आपको पता चल गया और आपने यहाँ आए, ट्रीटमेंट लिया और दो दिन में आपको इतनी रिकवरी है। जी सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम्स में क्या आती है कि कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करें, कहाँ दिखाया जाए। ओके, तो ये फीडबैक लेने का सिर्फ एक ये पर्पस है कि भाई लोगों की हेल्प हो सके और उन्हें पता चल सके। बिकॉज हम क्या है, फिजियोथेरेपी के साथ कपिंग, एक्यूप्रेशर, हीटिंग, लेजर, ड्राई नीडलिंग, ये सभी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे जिन लोगों को इस तरीके का सीवियर पेन हो जाता है, चाहे नेक पेन हो, बैक पेन है, नीज पेन है, और वो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाते हैं? नहीं, बस आपके यहाँ आए, अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट है जी, और फायदा हुआ है मेरे को, तो औरों को भी। जी, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी नेबर किसी भी तरीके के, जैसे ज्वाइंट पेन, नीज पेन, बैक पेन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।